फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 19 की, सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है एफिडेविट्स के बारे में, जो कि रूल 1 से लेके 3 तक है। तो एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र। तो शपथ पत्र क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? तो जब भी हम कोई कोर्ट में क्या है केस दाखिल करते हैं, उनके फैक्ट्स को, उनके तथ्यों को साबित करने के लिए हम एफिडेविट साथ में लगाते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं एक प्लान की कॉपी संग में एफिडेविट और जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है सारा लगा के हम कोर्ट में केस दाखिल करते हैं। लेकिन जब विटनेस वगैरह होते हैं, वो क्या है अपना एविडेंस भी क्या है शपथ पत्र के द्वारा यानी कि लिख के एक एफिडेविट बना के उसमें दे देते हैं, और उसके बाद उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होती है। तो समझते हैं क्या कहता है रूल। तो रूल 1 कहता है किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट एनी कोर्ट मेट एनी टाइम फॉर सफिशियंट रीजन ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, या कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से यह आदेश दे सकता है कि किसी भी विशिष्ट तथ्य या किन्हीं तथ्यों को साबित करने के लिए जो है शपथ पत्र द्वारा उसे साबित किया जाए, या किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई में ऐसी शर्तों पर पढ़ा जाए जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे। और जो साक्षी ने क्या है, विटनेस ने क्या है शपथ पत्र दिया है, एफिडेविट दिया है अपनी, उस पर क्या है उसकी जानकारी जो केस की है वो बताई है, और उस पर उसने ओथ ली है, शपथ ली है, तो उसको क्या है न्यायालय अगर चाहे तो उसको पढ़ सकता है कोर्ट में। और उसके बाद क्या है, पार्टी अगर चाहती है कि इसकी जो साक्षी है उसको कोर्ट में बुलाया जाए, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की जाए, तो उसके लिए भी क्या है कोर्ट उसको बुला सकती है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट अपीयरेंस टू द कोर्ट दैट आइदर पार्टी बोनाफाइड डिजायर द प्रोडक्शन ऑफ ए विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड दैट सच विटनेस कैन बी प्रोड्यूस एंड ऑर्डर शैल नॉट बी मेड ऑथराइजिंग द एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी गिवन बाय एफिडेविट। लेकिन उस केस में क्या है, वह ऐसे साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र दिए जाने का प्राधिकार देने वाला आदेश नहीं करेगा। अगर क्या है कोर्ट में बुलाया जा रहा है विटनेस को, तो उसके बाद उसे साक्ष्य शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, जो है विटनेस का एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है कि रूल टू कहता है कि अभी साक्षी की पत्र परीक्षा के लिए हाजिर कराने का आदेश देने की शक्ति, पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, किसी भी आवेदन पर साक्ष्य शपथ पत्र दिया जा सकेगा, और किंतु न्यायालय दोनों पक्षकारों में से किसी की भी प्रेरणा पर अभी साक्षी को आदेश दे सकता है कि वह पति परीक्षा के लिए हाजिर हो। यानी कि एफिडेविट के थ्रू क्या है उसने कोर्ट में अपना क्या है साक्ष्य दे दिया, एविडेंस दे दिया कि मैं इस केस में ये जानता हूँ, उसने क्या है शपथ पत्र के द्वारा उसे प्रूफ कर दिया, साइन कर दिए। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है तो उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा, और क्या है उसकी पति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन जो है जो अपोजिट वकील है वो करेगा। जब तक कि अभी साक्षी न्यायालय में सभी संचाती छूट ना पाया हुआ हो या न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, ऐसी हाजिरी न्यायालय में होगी। अगर वह जो साक्षी है विटनेस है उससे क्या है पर्सनल अवेयरेंस से छूट है, कुछ रूल्स हैं जिसमें कि पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिल जाती है, या वह क्या है स्वयं संजात नहीं हो सकता, ऐसे अगर कारणों से कुछ है, अदरवाइज जो है उसकी हाजिरी है वो कोर्ट में ही होगी, और उससे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है। ये कहता है रूल 2। रूल 3 कहता है कि वे विषय जिन पर शपथ पत्र सीमित होंगे, मैटर टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड, शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होंगे जिनको अभी साक्षी अपने निजी ज्ञान साबित करने में समर्थ है। यानी कि जो विटनेस है वह क्या है अपने निजी ज्ञान से वह जानकारी रखता है, उसके लिए क्या है वह शपथ पत्र एफिडेविट दे सकता है, किंतु अंतर्वर्ती आवेदनों के शपथ पत्रों में उसके विश्वास पर आधारित कथन ग्रह हो सकेंगे, परंतु यह तब जब के उसके लिए आधार का कथन किया जाए। लेकिन उसे विश्वास है कि जो मैंने और अलग फैक्ट्स कहे हैं वो भी मेरे निजी ज्ञान में क्या है विश्वास है कि सही है, या किसी एडवोकेट से तू कहे गए हैं तो वह सही हैं, तो इस तरीके से भी वह कर सकता है। लेकिन कई कुछ उसके जो है ग्राउंड्स देखने पड़ेंगे कि क्या उसको
एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं कि जिन शपथ पत्र पे अनुसूत और तार्किक बातें या दस्तावेजों की कॉपियां या दस्तावेजों के उद्धरण अनावश्यक रूप से दर्ज की गई हैं, ऐसे हर एक शपथ पत्र के खर्चे जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करें उन्हें फाइन करने वाला पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि जो उसमें शपथ पत्र में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गए हैं, कई कॉपियां उसकी करानी है, तो जो खर्चे हैं उसको इतनी जो कॉपियां उसकी कराने के या अदर खर्चे हैं वो क्या है, जिस पक्षकार ने उसको दाखिल किया है एफिडेविट को वो ही देगा, ये कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर 19 कंप्लीट हो गया, एफिडेविट रूल 1, 2, 3 था। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर 20 जो कि बात करता है जजमेंट एंड डिग्री के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।